हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि मेरा है लास्ट प्रैक्टिकल और मेरा कॉलेज का लास्ट डे भी है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ कॉलेज के लिए। बनाते हैं। रिकॉर्ड भी नहीं हो पकड़ पाती मैं तुमको। थोड़े छोटे हो जाओ। फ्लेम कम कर दो ना। आओ ना नीचे 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 नीचे। गुड मॉर्निंग बोल रहे। देखो लोगों को लग रहा होगा सुबह सुबह दारू तो नहीं पी रहे, लीची जूस है। अच्छा ठीक है गाइस, रेडी मैं हो गई हूँ। मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, मिलती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में कॉलेज में। बाय। इधर और में दिख ही नहीं रहे हो यार तुम। हम लोग कॉलेज साथ जाते हैं, हमारा घर एक साथ है, हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है। बंदी सुबह 4 बजे की उठ रखी है और सुबह 4 बजे से काम कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही। और मैं और सौरभ चिल कर रहे, हमारी दो फाइलें भी पूरी नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा वैसे भी यार, आज हमारा लास्ट डे भी है ना कॉलेज का, फिर बीएड खत्म। 3 साल का बीएड खत्म हो गया। सीरियसली लोगों का 2 साल का बीएड होता, हमारा 3 साल का है। हो जाएगा। वहाँ देखो पूरी गाड़ी में फुल, यहाँ पे भी देखो फुल हो रखा है, हमारे लिए सीट नहीं है बैठने के लिए। हमारे कॉलेज का नाम भी माया है और माया जाल से निकल जाएगा, माया जाल में फंसा के रखा हुआ इन्होंने। मेरा फ्रंट पेज नहीं बन रहा था मेरा भी, मैंने वो जनरल ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं लिखा। मैंने अभी तक ना उसमें वो भी नहीं लिखा हुआ, बोर्ड भी नेम तक नहीं लिखा हुआ मैंने अपने उसमें लेसन प्लान में। ये हम पहुंच गए अपने माया जाल में। अरे हमारे आगे हमारी प्रिंसिपल मैम की गाड़ी है, मैम भी अभी आ रही है, हमें भी जल्दी पीछे मैम के पीछे पीछे ही जाएंगे हम भैया। दूसरी बैठी है मैं एग्जामिनर, आ भी रही होंगी वैसे तो, कोई होनी है बात। बता हमारे साथ क्या सीन हो गया, हमने ना पूरे लेसन प्लान नहीं बना रखे, मैडम ने एक भी नहीं बना रखा। नहीं मैंने बनाया। कितने बनाए? 35। आज हमें घर भी नहीं जाने देंगे कि मैंने तो 70 दोनों बनाए हुए, दोनों सब। बहन कॉपी नहीं लेके आ रखी, कुछ नहीं लेके आ रखी, प्रैक्टिकल चल रहा है। भगवान, मैं बेहोश होने वाली हूँ। अरे मैं 15 कैसे लिखूंगी और? मेरा सोचो, मैं 35 कैसे लिखूंगी? 35 70 कैसे लिखूंगी? और अब देखो हमारे साथ क्या होता है, हमें घर भेजते हैं या यहीं रखते हैं? मुझे ऑफिस घबराहट हो रही है, मुझे नहीं पता मैं क्या होगा। मैम सबकी बेइज्जती कर रही है, पूरे कॉलेज वालों की बेइज्जती कर रही है। अभी क्लास में आई पता है, एकदम से बोला मैं तो डीएवी से हूँ, डीएवी से है मैम, डीएवी वालों
तुम्हारी मैम बहुत डीट है। कह रही मतलब डीएमी से वहाँ तो नेता नूता आ जाना अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, कहीं कहीं डीएमी के बच्चे मैम को भेज रहे हैं, फिर माया वालों ने ऐसा ऐसा कर दिया। बहन मैं तो ये भी नहीं ला रखी आई कार्ड। अच्छा तुम्हारा तो हो गया। हाँ मेरा तो हो गया यार, मेरे को अपने मोमोज भी खिलाएगा तू फिर। अब बोल कुछ हिमांशु भाई जी, जल्दी नहीं ला पाए यार। इस अर्चना को फॉलो करो यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार इसका चैनल यार, परेशान हो रही बेचारी कब से बोल रही है बेरोजगार। कॉलेज से बंग मार के हम खाना खाने आए और हम वापस जा रहे हैं और अभी हम अपने चुप रहे यार कुछ भी अभी ये तो बीड़ी भी दी है, बीड़ी बीड़ी ओ शेर बीड़ी तू मजदूर बीड़ी पीती है ना, शेर बीड़ी में शेर नहीं बे मजदूर यार, हमारी गाड़ी इधर है पागल। हां चल, और अभी हमें लेसन प्लान गेट पे मिलते हैं कॉलेज की, वहां पे उतरना ही है वैसे भी। दुखी बहुत दुखी सुनना, प्रैक्टिकल तो पूरा हुआ नहीं हमारा, फाइल हमारी सबमिट नहीं करी, इसकी फाइल चोरी भी हो गई। ये सस्ती ब्लॉगर है, ये कैसे भी सुनना, इसके पास कुछ कंटेंट नहीं होता फिर भी आ जाती है फोन उठा के ले लेना, इसकी फाइल चोरी भी हो गई। फोटो खिंचवाना नहीं छोड़ेंगे, फोटो प्रॉपर लेंगे। अरे वो एग्जामिनर फोटो प्रॉपर ले रही है हमारी, ठीक है। मैं बहुत टेंशन में हूं, दिख रहा है मेरे मेरे फेस पे, ये रही एग्जामिनर सामने। आज हम इस उम्मीद से निकले थे, आज बीएड पूरा करने की उम्मीद से निकले थे, पर फिर से दो दिन एक्सटेंड हो चुके हैं हमारे बीएड पूरा होने में। एग्जाम कैसे निकलेंगे वो अब हमें पता ओफो, गई कहाँ है वो पता नहीं, लंच पे गई है ऐसे बोल रहे हैं। गाइस हमारा प्रैक्टिकल आधा अधूरा हुआ है और मंडे को हमने फिर से आना है अपने लेसन प्लान सबमिट करवाने। अब तो सीधा 35-35 लेसन प्लान के साथ ही आएंगे, वही तो यार वापसी या 35-35 लेसन प्लान के साथ ही होगी, पूरे 70। इस माया जाल में तुम मत फंसना, माया जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, अंदर जाना बहुत इजी है। हैं अंदर जाते टाइम तो बस आओ आओ वेलकम वेलकम, तुम्हें बस हाथ पे रखेंगे हम। जाल तो खैर अच्छा था पर ऐसा बढ़िया जाल फेंका कि जिससे बाहर ही नहीं निकला जा रहा। वैसे हमारे जिनने हमें जाल में फंसाया है वो अच्छे हैं, जाल वाले अच्छे हैं, बट दूसरी यूनिवर्सिटी के जाल वाले बुरे हैं, वो शाणे बन रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी में आके, बहुत खतरनाक है। हाँ वो अपने आप को ज्यादा प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा बेटर हैं। क्यों किरण मुंह बड़ा करना, मुंह क्यों छुपा रही हो तुम? अच्छा पूरा कौन घुमाया? अच्छा ठीक है चलो चलो। बीकानेर वाले भैया की मिठाइयाँ बहुत टेस्टी होती है की मिठाई, ये बीकानेर वाले भैया की मिठाई है पान वाली। ये भैया हमें कॉम्प्लीमेंट्री खिला रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री खा लो भैया, एक पाव कर लो, पान ले लो सुपारी पान ले लो, ऐसा लग रहा है सुपारी पान खा रही हूँ। भाई इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मेरी हालत ना तो आज हमारा प्रैक्टिकल पूरा हुआ, अभी परसों फिर से फाइल सबमिट करवानी है, पता नहीं कभी होगा ये बीएड ख़त्म, परेशान हो गया 3 साल से बीएड ही चल रहा है। चलो मैं घर पहुँच गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, ये ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ओके बाय।